नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है माँ का प्यार। एक शहर में एक लड़की रहती है, उसका नाम माला है। माला पांचवी कक्षा तक ही पढ़ी थी। वह एक गरीब परिवार से थी। माला की शादी एक मजदूर से होती है। शादी के कुछ सालों के बाद माला को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम माला पप्पू रखती है। माला और उसके पति एक दिन पप्पू के भविष्य के बारे में बातें करते हैं। वह दोनों यह सोचते कि वो नहीं पढ़े, लेकिन वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा और काबिल आदमी बनाएंगे। यह सोचकर माला ने यह फैसला किया कि वह अपने पति के साथ भी काम करेगी और पप्पू के भविष्य के लिए पैसे जोड़ेगी। माला अपने पप्पू को अपने काम करने की जगह पर अपने साथ ले ही जाती और पप्पू वही खेलता रहता और माला अपने पति के साथ वही काम किया करती थी। पहले एक के पैसे आते थे घर में, अब दोनों कमाने लगे तो माला बहुत खुश रहती थी। हर रोज शाम को जब माला घर लौटकर आती तो अपनी कमाई गुल्लक में रखा करती थी। एक दिन की बात है, जब माला अपने काम करने के जगह पर सर पर ईंट ले सीढ़ियों से छत पर जाती रहती, उसका बेटा पप्पू भी उसके पीछे जाने लगता है। माला अपने पीछे आते पप्पू को नहीं देखती है, पर उसके पति और कुछ काम करते मजदूर देख लेते हैं। पप्पू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ छत के किनारे चला जाता है। पप्पू को बचाने के लिए माला के पति पप्पू की तरफ भागते हैं, पर पप्पू और माला के पति दोनों खुली छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद माला के पति का देहांत वही हो जाता है। पप्पू बच जाता है, पर उसके सर पर लगे चोट के कारण पप्पू को दिखाई देना बंद हो जाता है। पप्पू अंधा हो जाता है। माला अपने पति की मृत्यु और बेटे के अंधे होने के कारण टूट सी जाती है। वह सोचती है कि उसे अपने और अपने पति का सपना भी पूरा करना है। वह एक बार फिर से अपने को मजबूत करती है। तभी अस्पताल में एक मरीज को किडनी की जरूरत होती है। वह एक बहुत धनी आदमी होता है। उसके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति होता है। उसके साथ परिवार का कोई नहीं, सिर्फ एक नौकर उसके साथ अस्पताल में होता है। माला उस बूढ़े व्यक्ति के पास मिलने जाती है और उससे बात करती है। बाबा, अगर मेरी किडनी आपके शरीर के साथ मैच करेगी तो मैं आपको एक किडनी दे दूंगी, मगर आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति माला को बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। माला बोलती है, बाबा मुझे पैसे नहीं, एक वादा चाहिए, और माला अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। माला बोलती है, बाबा मैं एक किडनी आपको और अपनी दोनों आंखें अपने बेटे को देना चाहती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है, अगर तुम दोनों आंखें उसे दे दोगी तो बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देखोगी। माला बोलती है कि बाबा मैं माँ हूँ ना, उसे अपने मन की आंखों से देख लूंगी। यह बोलकर बूढ़े के कमरे से वापस आती है और एक पत्र लिखती है। पत्र को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी बूढ़े बाबा के साथ आए नौकर को माला दे देती है। एक किडनी बाबा को और दोनों आंखें अपने बेटे को माला दे देती है। बूढ़ा आदमी अपने साथ माला और पप्पू को घर ले जाता है। वह बहुत बड़े घर में रहता था, जहां नौकर गाड़ी सारी सुविधा मौजूद होती है। पप्पू का दाखिला बहुत बड़े स्कूल में करवाया जाता है। पप्पू बढ़ने में काफी तेज और समझदार था। धीरे धीरे पप्पू बड़ा होने लगता है। वह स्कूल जाता है तो उसे वहाँ के बच्चे अंधी का बेटा बोलकर पप्पू को बुलाया करते हैं। पप्पू का हमेशा स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। पप्पू अपनी माँ के साथ स्कूल जाना और आना नहीं चाहता था। वह हमेशा अपनी माँ को बोलता कि तुम गाड़ी भेज दिया करो, खुद मत आया करो, मगर माला पप्पू की बात नहीं मानती। वह रोज स्कूल चली जाती। पप्पू अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे लगता कि यह वह औरत है जिसके कारण मुझे स्कूल में मजाक बनाया जाता है। वह अपनी माँ से नफरत करता था। माला को यह बात मालूम होती है कि पप्पू उससे प्यार नहीं करता, पर वह पप्पू को कैसे समझाती कि वह देख नहीं सकती, इसलिए वह रोज स्कूल चली आती है।
ऐसे में वह कम से कम स्कूल के गेट पर बच्चों की आवाज सुनकर खुश हो जाती थी। वह अपना और अपने पति का सपना पूरा कर रही है। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर नौकरी पप्पू को मिल जाती है, जिसके बाद नौकरी पाते ही पप्पू एक नया मकान में रहने चला जाता है, मगर अपनी माँ के बिना। इस बात का पता जब माला को लगता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपने बेटे से मिलने उसके नए घर सुबह सुबह जाती है, पर पप्पू माला से मिलने से इनकार कर देता है। माला उसके घर से बाहर नौकर के सहायता के बिना ही निकल जाती है, जिसके बाद वह देख नहीं पाने के कारण एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। पप्पू जब अपने गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाने को निकलता है तो गेट के पास काफी भीड़ लगी होती है। पप्पू गाड़ी से निकलकर देखने जाता है कि इतनी भीड़ क्यों है, जिसके बाद वह वहां पर अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। पप्पू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपनी माँ को गोद में जब उठाता है तो उसके हाथ एक पत्र मिलता है, जिसमें माला ने पूरी कहानी लिखी होती है, उसके जन्म से पप्पू की पिता की मृत्यु और पप्पू की आंखों के बारे में, बाबा को किडनी देने जा रही हूँ आदि सभी बातें जो आज तक पप्पू नहीं जानता था। जिसके बाद पप्पू बहुत रोया और अपनी माँ से माफी भी नहीं मांग सका। वह अपनी हरकतों पर बहुत पछताता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्य की स्थिति पर कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। माँ और पिताजी का स्थान भगवान से पहले होता है, क्योंकि भगवान को हम ना तो देखते हैं और ना ही कभी मिलते हैं। इसलिए हमें अपने माँ और पिताजी का स्थान सबसे पहले देना चाहिए। अपनी सभी खुशियों को भूल जाते हैं अपने बच्चों की खुशियों के आगे। आप पिताजी को कभी नाराज मत किया करो, वह जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। धन्यवाद।